नमस्ते स्टडी लैब्स पे आपका स्वागत है डे 22 को हमने मैकडेबर्ग का एक्सपेरिमेंट किया था अगर आपको याद है वरना आप जाके भी देख सकते हैं डे 22 को कि हमने उसमें इन दोनों सिंक प्लंजर को आपस में जोड़ दिया था और फिर इनको फोर्स लगा के खींचना था मैंने उस वक्त कहा था कि हम इसमें आगे इनके साथ भी कुछ देखेंगे इनके साथ भी थोड़ी सी फिजिक्स देखेंगे ये आ, होल्डर के लिए यूज होते हैं सक्शन क्रिएट करते हैं वैक्यूम सक्शन इनको कहा जाता है कप्स भी कहा जाता है तो परसों हमने कोस्टर और ग्लास के साथ एक वेट ऐड करके उसमें दप्ती में वेट ऐड करते चले गए थे और हमने देखा था कि कितना वेट उसमें ऐड कर सकते हैं एंड देन हमने ये सिरिंज के साथ एक सेटअप बनाया था और इसमें वेट ऐड किया था और इसका एरिया निकाला था और इसका एरिया निकाल के हमने देखा था कि कितना वेट हम इस पे ऐड कर सकते हैं आज हम यही सारा काम करते हैं जो हमारे सक्शन कप्स हैं उनके साथ तो हमें पता है कि अगर हम ये दो इस तरीके से कप्स लेते हैं और इनको आपस में चिपका देते हैं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और इनको अलग करने के लिए हमें काफी फोर्स की जरूरत पड़ती है काफी ताकत लगानी पड़ती है आप इसमें बस हल्का सा भी अगर हवा निकाल दें पूरी हवा नहीं भी निकाली है तब भी आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा इसको अलग करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा राइट तो हम क्या करने वाले हैं कल हमने जो सिरिंज वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने देखा था कि हमने वॉल्यूम और से निकाला क्या था एरिया निकाला था और अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया को निकाल कर हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कितना फोर्स या कितना प्रेशर इस पर लग रहा होगा तो हम इसका भी एरिया निकालने की कोशिश करेंगे आज बड़ा सिंपल सा है अब इसमें दो एरिया है एक तो इस केस में है जब ये बिल्कुल पिचका हुआ नहीं है इसके अंदर हवा है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो एरिया होगा ये थोड़ा सा अलग होगा ये थोड़ा सा जो एरिया होगा छोटा निकलेगा जब ये रेस्ट की केस में है या जब हमने इसके अंदर से हवा को नहीं निकाला है तब का एरिया अलग होगा लेकिन हम इसको अगर पिचका दें तो ये एरिया थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा इंक्रीज करेगा तो आप चाहें तो दोनों को ना भी कंसिडर करिए तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है राइट बट आप ध्यान रखिए कि आप जब बच्चों के साथ इसको करें तो आप डिस्कस जरूर करिए कि इस केस में अलग और जब ये इन्फ्लेट हो जाता है तो उस केस में थोड़ा सा चेंज आता है इतना ज्यादा चेंज नहीं आएगा कि बहुत कंसिडरेबल अमाउंट में हो तो हमने इसका एरिया जब ये बिल्कुल पिचक चुका है हमने इसका एरिया निकाल लिया है अब इसका एरिया जब निकल गया है तो हम अब क्या कर रहे हैं कि हम अब लेंथ निकालने की कोशिश कर लेते हैं तो हम मेजर करते हैं और इसमें एरर आएगी बार बार आप बच्चों से कराइए लगभग तीन से चार बार उससे एस्टिमेट निकलवाइए तब जाके एवरेज निकालने पे उसका सही निकल कर थ्री पॉइंट टू सेंटीमीटर का है तो अब मेरे पास जब एरिया आ गया तो एरिया सॉरी uh, जब मेरे पास डायमीटर आ गया तो मैं पाई आर स्क्वायर या पाई बाय फोर डी स्क्वायर लगाकर इसका एरिया निकाल सकता हूं तो मैं एरिया निकाल लेता हूं इसका से तो हमारा जो एरिया निकल रहा है वो निकल रहा है 8.04 सेंटीमीटर स्क्वायर तो आ, अब क्योंकि हमें मालूम है कि वन इसको हम 8 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लेते हैं और क्योंकि हमें मालूम है कि वन सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है एरिया तो उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली वन के का एक किलो का वेट उस पर पड़ता है एक के वेट उस पर अप्लाई होता है तो अभी एट सेंटीमीटर स्क्वायर अगर है तो हमें पता है कि ये कितना होगा आठ किलो के बराबर एट के वेट आ, के बराबर हो जाएगा मैं न्यूटन में इसको कन्वर्ट आप करना चाहें बच्चों के साथ जरूर करिए लेकिन मैं वेट के टर्म्स में क्योंकि वेट आ, एक कॉमन इंसान भी समझ सकता है तो इसके लिए आ, जो मुझे वेट लगाना पड़ रहा है अगर मैं आठ किलो के एक वस्तु को एक आठ किलो के ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रख रहा हूं तो जितना वेट उसका लग रहा है एग्जैक्टली exactly उतना ही वजन मुझे इन दोनों को अलग करने के लिए अप्लाई करना पड़ रहा है